नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ की नौ खबर। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। पटना में मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। जानकारी के मुताबिक अलकायदा नाम के एक ग्रुप से सीएमओ ऑफिस को ईमेल आया था और धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद एटीएस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। बताया जा रहा है कि 16 जुलाई को धमकी भरा ईमेल आया था, इसमें सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस पूरे मामले में सचिवालय थाना में 2 अगस्त को सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं, सीएमओ को उड़ाने की धमकी दी गई है और ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की टीम नजर बनाए हुए है, मामले की जांच जारी है। पटना में सीएमओ यानी मुख्यमंत्री सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और इस धमकी के बाद बिहार पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ईमेल के माध्यम से यह धमकी मिली है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट कर दिया गया है और आला अधिकारी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आतंकी संगठन अलकायदा के नाम से यह धमकी मिली है। अलकायदा के नाम से सीएमओ कार्यालय को एक मेल आया है। एटीएस ने इस पूरे मामले की अपने स्तर पर छानबीन की है, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। पटना के सचिवालय थाने के थानेदार के फर्द बयान पर उनके ही थाने में यह केस जो है दर्ज किया गया है और इसमें कई बातों का उल्लेख किया गया है। इसके पहले भी पटना एयरपोर्ट को, हाईकोर्ट को और गवर्नर हाउस को उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है, जिसके बाद इस स्थानों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हालांकि तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर हर वक्त अब चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई है और इस वक्त आप देख सकते हैं स्पेशल ब्रांच की गाड़ी जो है वो लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की भी हर वक्त यहाँ तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। हालांकि इसके पहले जो धमकी मिली है उसमें ऐसी कोई घटना नहीं घटी है और पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में है। जुलाई में ही पटना के घर में बम बनाने का सामान बरामद हुआ था। वहाँ 35 जिंदा कारतूस, पोटेशियम नाइट्रेट और इसके अलावा एक डब्बा भी मिला था। ट्रिफिल लिक्विड के डिब्बे मिले थे, लकड़ी का चारकोल, सुतली वगैरह को पकड़ा गया था। इस मामले में पुलिस ने पवन महतो नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस इस एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी कि इतनी सारी मात्रा में विस्फोटक किस साजिश के तहत घर में लाया गया था, क्या आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। हालांकि गनीमत ये रही कि पुलिस ने समय रहते इन लोगों को पकड़ लिया था और एक बड़ी घटना होने से बच गई थी। हम आपको बता दें कि बिहार पुलिस ये जो धमकी मिली है उस मामले को लेकर काफी गंभीर है और सभी सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं। हालांकि जो आला अधिकारी हैं उनका कहना है कि हो सकता है कि ये किसी को फंसाने की साजिश रही हो, इसलिए सीएमओ को इंडिकेट किया गया है और सीएमओ के नाम से ये धमकी भरा ईमेल आया है। अब देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है, लेकिन फिलहाल ये जो मेल आया है उसके बाद से बिहार पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष जुलिया के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, पूर्णिया के लाइन बाजार में 26 जुलाई को तनिष्क ज्वेलरी में करोड़ों की डकैती मामले में पुलिस ने आरोपी बिट्टू सिंह के ससुर के घर में छापेमारी की है। खजांची हाट के प्रभात कॉलोनी के लॉज में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने दबिश दी, जिसमें कई दस्तावेज जब्त किए गए। छापेमारी में पुलिस के हाथ बेऊर जेल में बंद बिट्टू सिंह के साथ साथ चंदन उर्फ प्रिंस राज के भी कुछ केस के कागजात मिले हैं। एसडीपीओ के मुताबिक लॉज में डकैती से पहले चुनमुन झा और दूसरे अपराधियों ने मीटिंग की थी। पुलिस अभी सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। इधर बिट्टू सिंह की पत्नी ने पति को निर्दोष बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये भोला सिंह के नाम का लॉज है जो चंदवा के रहने वाले हैं और उन्हीं के नाम पर लॉज है। उनका लॉज क्या है, घर है, मैंने यहाँ मकान बनाया है। लॉज में कुछ स्टूडेंट को भी दिए हैं, दो स्टूडेंट उधर बगल में है उसको भी वेरीफाई किए हैं, वो लोग लालगंज का है। एक कमरा जो घटना के दिन के बाद से ही बंद मिला है उसी की तलाशी। इस रूम में कौन रहते थे सर, जिस रूम का तलाशी हुआ है? इस रूम में ही जो है सो अपराध कर्मियों के आने जाने और बैठने की बात प्रकाश में आई थी। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है इस केस में और पिछले जितने भी केस हुए हैं 2020 से लेके अभी 24 तक सब में मेरे पति निर्दोष है। निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे, इसमें प्रशासन निष्पक्ष जांच करे और ये तनिष्क लूट कांड में तो है ही नहीं, हम लोग अपने शहर अपने घर में ऐसा घिनौना काम करने का कभी सोचेंगे नहीं मेरे पति। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता दें, जहां बेखौफ बाइक सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप से
करीब 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के पानापुर ओपी थाना क्षेत्र के पखनाहा का है। शनिवार देर रात की घटना बताई जा रही है। लूट के बाद बदमाश सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तीनों आए हैं पीछे से, आ करके बोले हैं कि कैश होगा कि नहीं होगा, मैं बोला कि नहीं होगा। उसके बाद तीनों ने पिस्टल निकाला है और पिस्टल तान दिए। उसके बाद बोले हैं कि ऑफिस में चलो, ऑफिस में आकर के जो गोदरेज खुलवाए हैं, गोदरेज में जो कैश था वो ले लिए हैं, काउंटर में जो था वो ले लिए हैं। उसके बाद से जो डीवीआर था सीसीटीवी फुटेज का वो निकाल लिए हैं। उसके बाद से मेरा जो फोन था वो भी ले लिए। से आपको बड़ी खबर बता दें, रांची के अनगड़ा थाना इलाके में पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पुलिस रांची के सिविल कोर्ट के अधिवक्ता की हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने पहुंची थी और इसी बीच पुलिस को देखते ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद एक आरोपी रोशन के पैर में गोली लगी है। हालांकि दूसरा आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, कंकड़बाग में कटा हुआ पैर बरामद किया गया है। पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने जांच भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मानव का पैर मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पहले जो शुरुआती जांच है उसके मुताबिक बताया जा रहा है महिला का कटा पैर होने की आशंका जताई जा रही है। पैर में एड़ी और पंजा होने की सूचना है। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कंकड़बाग इलाके से कटा हुआ पैर बरामद किया गया है। पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और शुरुआती जांच में पुलिस की टीम बता रही है कि ये पैर महिला का हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। 24 को संध्या 6 बजे सूचना मिली कि दुसाधी मोड़ के पास एक मानव पैर है जो एड़ी और पंजा लगा हुआ है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही वहाँ पहुँचा गया तथा हम लोग वहाँ पर FSL एवं डॉग स्क्वाड टीम को सूचना किए हैं और वो जल्दी में पहुँचने वाली है और हम लोग इसमें अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कि मेल है कि फीमेल है? जो भी प्रथम दृष्टि हम लोगों को लग रहा है कि किसी फीमेल का अंग है वो। और मौसम से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पटना से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मध्यम से लेकर भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण और गोपालगंज के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। राज्य में अगले 4 दिनों तक मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। दक्षिण पश्चिम बिहार में फिलहाल भारी बारिश की चेतावनी है, यानी कि दक्षिण पश्चिम बिहार में जो लोग रह रहे हैं उन्हें खास सावधानी बरतनी होगी। भारी बारिश के साथ ही ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। लोगों से ठनका से बचने की अपील की गई है। और बड़ी खबर नालंदा जिले के हिलसा से आ रही है, जहां हिलसा के लोकाइन नदी में अचानक उफान आ गया, जिससे राढ़ी छिलका के पास नदी का तटबंध टूट जाने के कारण बेलदार बिघा गांव में नदी का पानी घुस गया है। वहीं नदी का पानी गांव में घुसने की जानकारी जैसे ही मिली, SDO हिलसा मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया। राहत शिविर चालू करने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ स्थिति बेलदार बिघा गांव में बनी हुई होगी। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र में मिट्टी की दीवार गिरने से महिला की दबने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बताया कि महिला अकेले घर में रहती थी। इनका पति कई साल से बाहर रहता था। महिला रात में खाना बनाकर बाहर निकली थी और तभी घर का मिट्टी का दीवार गिर गया, जिसके नीचे महिला दब गई और उसकी मौत हो गई। लगातार जो बारिश हुई, बारिश के कारण मिट्टी के मकान धस जाने के कारण दब के मौत हो गई।
घटना दुखद है और साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है अभुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास। इसमें देखा जाता है कि प्रशासनिक महकमा के जो पदाधिकारी जांच स्तर जांच के लिए आते हैं, योग्य लाभुकों की सूची नाम से हटा दी जाती है और ये अभुआ आवास को बभुआ आवास बना करके रख दिया गया है। और अब गढ़वा की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां लगातार बारिश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मूड पर है। मूसलाधार बारिश से कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर आ चुकी हैं। जिले के मझियाओ और कांडी प्रखंड से गुजरी कोयल नदी और सोन नदी भी उफान पर है, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इस बीच अधिकारियों ने कोयल नदी के पुल का भी निरीक्षण किया है, जहाँ नदी के बाढ़ के दबाव की वजह से पुल में कंपन महसूस की जा रही है। इसके बाद सावधानी के तौर पर तुरंत पुल पर ट्रैक्टर को खड़ा कर आवाजाही पर रोक लगा दी गई। बता दें कि कोयल नदी गढ़वा और पलामू जिले को जोड़ने वाला पुल है, जहां से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं। कांडी प्रखंड के सतबहिनी गांव में गुजरी नदी पर नदी भी उफान पर है और बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से झरना का नजारा भी बेहद आकर्षक हो गया है। और अब आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां स्वर्णरेखा और खारकाई दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच ओडिशा और चांडिल डैम का भी फाटक खोल दिया गया है। अब इसको लेकर जमशेदपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इधर नदी का जलस्तर बढ़ता देखकर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से नदी के तटीय इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहा जा रहा है। वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से शेल्टर होम और सामुदायिक भवन में लोगों की रहने की व्यवस्था की गई है। नदियों के निचले इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम भी किया जा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। बारिश जो लगातार 24 घंटे से 48 घंटे से जो बारिश हो रही है, कभी भी बारिश जब तेज होती है और जो फाटक खुलने के बाद बहाव जो है ब्लॉक हो जाता है नदी में, जिसके कारण नदी जो किनारे तट में है वहाँ पर पानी अचानक से बढ़ जाती है और बस्ती में घुस जाती है, लोगों के जान माल की हानि हो सकती है। सुरक्षा दृष्टिकोण से हम लोग 10 घंटा पहले 12 घंटा पहले से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इस पर पूरे हमारी टीम लगी हुई है, पूरा प्रशासन की टीम लगी हुई है। अलर्ट मोड पर है और देख सकते हैं कि दोनों नदियां जो है वो पूरी तरह से उफान पर है। हालांकि उड़ीसा का भी डैम खोल दिया गया है, तो 7 से 8 घंटे में ही वो पानी जो है उड़ीसा का डैम का पानी ये दोनों स्वर्णरेखा और कर्काई नदी में पहुंचेगा। हालांकि बाढ़ को देखते हुए जिला के उपायुक्त लगातार जो है वो निर्देश जारी कर रहे हैं और नगर निगम के जितने भी अधिकारी उनको कई दिशा निर्देश भी दिया गया है। जो निचले इलाके है नदी से सटे जो निचले एरिया है उनको खाली करने का निर्देश दे दिया गया है और देख सकते हैं कि बाढ़ का खतरा जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अब मंडराने लगा है और बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जो एक बाढ़ का खतरा लगातार इससे भी बन सकता है। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा लगातार नदी किनारे जो बस्ती एरिया है उनको खाली करा दिया गया है और जैसे ही पानी बढ़ेगा उसको लेकर लगातार लोगों को अब ऊंचे एरिया पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोगों को किसी तरह का नुकसान का सामना ना करना पड़े। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चलो नदी से बाहर निकलिए, सायरन बज रहा है, आप सभी को अलर्ट किया जा रहा है, नदी के किनारे तट से हट जाइए। दोनों डैम का फाटक खोल दिया गया है, अचानक से जलस्तर बढ़ जाएगी नदी की। आपकी जान और माल की सुरक्षा के लिए आप सभी को सूचित किया जा रहा है, नदी किनारे से दूरी बनाकर रखें। जो भी है नदी किनारे तुरंत नदी तट को खाली कीजिए। नदी डैम का पानी खोल दिया गया है, जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको सुरक्षा दृष्टिकोण से जिला प्रशासन की ओर से आप सभी को सूचित किया जा रहा है, नदी तट से दूरी बनाकर रखें, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लखीसराय में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। धान उत्पादक किसान खेत में धान की रोपाई में जुट गए हैं। लगातार बारिश से सूखे पड़े नहर में पानी आ गया है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और किसानों में एक बार फिर से अच्छी पैदावार की उम्मीद भी जग गई है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार।
लगातार हो रहे बारिश के बाद धान उत्पादक किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। आप देख सकते हैं खेतों में जमा पानी देखकर धान उत्पादक किसान काफ़ी खुश हैं और दिन रात जो है किसान जो है लगातार धान की रोपाई में जुटे हुए हैं। वर्षा होने लग गई तो बहुत राहत मिला है। राहत अब ऐसा लगता है कि धान अब उपज हो जाएगा, ऐसा संभवतः लग रहा है। लगातार बारिश के बाद धान उत्पादक किसानों की उम्मीद काफी जगी है। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। और शेखपुरा जिले में बरसात के दिनों में सांप काटने की घटनाएं काफी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सदर अस्पताल में सांप काटने के इलाज के लिए सारी व्यवस्था की गई है। स्नेक वेनम इंजेक्शन की पूरी व्यवस्था है जिससे सर्पदंश के शिकार हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। अभी तक 14 लोगों की जिंदगी बचाई गई है। सदर अस्पताल में क्या है तैयारी, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। के दिनों में शेखपुरा जिले में इन दिनों सांप काटने का घटना काफी हो रहा है और इलाज के लिए सदर अस्पताल में भी लोग आ रहे हैं। हालांकि संतुष्टि वाली बात यह है कि सदर अस्पताल में सांप जो काटा जाता है, काट लिया अगर किसी को तो उसके इलाज के लिए सारी व्यवस्था की गई है। कहा जाता है कि स्नेक एंटीवीमेन जो इंजेक्शन है वो भी पूरा भारी मात्रा में पड़ा हुआ है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। 90 से 95% केस जो है जो विषैले सांप नहीं होते उनमें कोई लक्षण नहीं आता और उनमें कोई दवा की जरूरत नहीं होती है। 5% में दो तीन तरह से हो सकते हैं, कम सीवियर हो सकते हैं और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। कम सीवियर के लिए सभी सांपों का जो जितना भी जहरीले सांप हैं उन सांपों का एक ही दवा होता है, उसमें सभी सांपों के जहर का इंजेक्शन मिलता है, वो हम लोग उसको आवश्यकता के अनुसार चलाते हैं। एंटी वेनम जो स्नेक बाइट के बाद इंजेक्शन पड़ता है उपलब्ध है और इमरजेंसी में भी हम लोग दिए हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारा जो मेन स्टोर है वहाँ भी स्टॉक करके रखा हुआ है। ये यहाँ सारी व्यवस्था मिल जाएगी आपको और सब जो टीकाकरण का वो या फिर इंजेक्शन सारी सुविधाएं उपलब्ध है आपको और आप सुरक्षित होकर घर वापस जाएंगे। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। और अब बात करेंगे सावन की। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट से जल भरकर रोजाना लाखों शिव भक्त देवघर जा रहे हैं। कच्चे कांवरिया पथ पर भोलेनाथ के अनूठे और अनोखे भक्त देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही एक भक्त से हम आपको आज मिलाते हैं जो दिव्यांग है लेकिन बाबा की भक्ति उन्हें देवघर खींच लाती है। लखीसराय के रहने वाले गुलशन कुमार कच्ची कांवरिया पथ पर रेंगते हुए भोलेनाथ के दरबार जा रहे हैं। गुलशन कुमार को भोलेनाथ पर अटूट श्रद्धा और विश्वास है। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, इसीलिए तो इन्हें औघड़दानी भी कहा जाता है। कच्ची कांवरिया पथ की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इस औघड़दानी के एक अनूठे भक्त हैं और कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए 105 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के लिए निकल पड़े हैं। यूं तो कच्ची कांवरिया पथ पर रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन औघड़दानी के इस अनूठे भक्त को देखिए कि किस तरह से ये कच्ची कांवरिया पथ पर लगातार बढ़े चले जा रहे हैं। वाकई में भगवान भोलेनाथ के ये अनूठे और अनोखे भक्त हैं। कैसे, कहां से आना हुआ है, कहां से आए हैं? रामचंद्रपुर लखीसराय। क्या नाम हुआ आपका? कैसे जाना हो रहा है भोलेनाथ के दरबार में? उनकी दया जा रहे हैं। उनके दया से जा रहे हैं, भी ले जा रहे हैं। तो दिक्कत नहीं हो रही है इस तरह से? दिक्कत तो वही जाने का, दिक्कत जन्म दिया तो वही जाने का, कैसे दिक्कत दिया, जा रहे हैं। तो ये पहली बार जा रही है या इससे पहले भी गए हैं? एक बार गए हैं। तो क्या मांगिएगा इस बार भोलेनाथ से जाकर, जब मिलिएगा भोलेनाथ से? कुछ नहीं मांगिएगा। कितना विश्वास है भोले पे? विश्वास है। उनको गुरु बनाए, जैसे माए बाप है अपना, उसे उनको बनाए, उनको अपना माँ बाप मान लिए हैं आप। चलिए, वाकई में ये भगवान भोलेनाथ के औघड़दानी के ये अनूठे भक्त हैं। और यूं तो जो यात्रा है सबसे कठिन यात्रा में से एक दांडी बम की यात्रा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा कठिन
ये यात्रा है जो कि भगवान भोलेनाथ के इस भक्त तय करने के लिए निकल पड़े हैं। वाकई में औघड़दानी की महिमा जो है अपरंपार है, तभी तो इस औघड़दानी के अनूठे भक्त भी मिलते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।